We ask you all to please fasten your seatbelts. The duration of the flight, Tejas is three months. By the time we will land, you will be able to crack AAI. Dear students, this is your educator speaking. This is the final boarding announcement for Flight TGIS. We ask you all to please fasten your seatbelts. The duration of the flight, Tejas, is three months. By the time we will land, you will be able to crack AAI. Dear students, this is your educator speaking. This is the final boarding announcement. Good evening, everybody. A very good evening to all of you bachcho. We are live with power systems back again. तो यार power system वापस आ गया है जिसका आप लोग इतने time से इंतजार कर रहे थे. आप लोग ये बोल रहे थे कि सर power system लगाइए सर किसी भी तरीके से power system का course complete कीजिए तो बेटा वापस आ गए हैं. ठीक है? थीके? ये देखो. अब क्वेश्चन ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कब से आएगा मतलब कभी सबर नहीं है कि अब क्या चल रहा है अब ये है कि अगला कब आएगा देखो अलग मतलब अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं अपने पास सबको इससे इंटरेस्ट है मैं तो बता रहा हूं ना एक काम करते हैं अपन जो है ना बेटा उम्मीद बैच का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो चुका था उसमें कंटिन्यू क्या करूं मेरे को पता है क्या लग रहा है अपन लोग ना एक काम करते हैं पूरे साल का आप लोगों को ना शेड्यूल दे देते हैं और फिर लगाएंगे नहीं सब्जेक्ट ठीक है बस शेड्यूल दे देंगे मुझे लगता है काफी सारे बच्चे तो मतलब उसी को देख के ना शेड्यूल को वहीं से दिल की धड़कने बढ़ जाएंगे और उसी में खुश रहेंगे कि भैया शेड्यूल आ गया बड़ा बढ़िया काम हो गया शेड्यूल आ गया है ना तो यार देखो मैं आप लोगों के लिए तीन यूनिट्स कवर कर चुका था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्ट एनालिसिस और स्टेबिलिटी तो अगला यूनिट लॉजिकली आपका आना चाहिए प्रोटेक्शन तो इसीलिए हम लोग प्रोटेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों और इसके अलावा मैं आपको बता दूं मैं कुछ हद तक प्लानिंग कर रहा हूं कि जो पीछे हम लोग लास्ट सीजन में निपटा चुके हैं कैसे हम उसका रिवीजन कर सकते हैं वो भी मैं प्लान कर रहा हूं जैसे ही कोई प्लान फाइनलाइज होता है तो मैं आपको पीछे का पावर सिस्टम भी रिवाइज करा दूंगा ठीक है ये बात क्लियर है कि हम लोग पीछे का पावर सिस्टम का रिविजन भी लगा लेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिल पाता है नाउ प्लीज फोकस ऑन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन बहुत बेहतरीन वे में आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को पढ़ने वाले हो बहुत हद तक चीज़ों को विजुअलाइज करने वाले हो बहुत ज्यादा यार मजा आने वाला है डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है बिल्कुल ई के लिए सफिशियंट है गेट और ई दोनों के सिलेबस के लिए सफिशियंट है इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेटा मैंने रात को इसलिए लगाया बैच भले मुझे रात ग्यारह बजे तक पढ़ाना पड़ेगा लेकिन इसलिए ताकि जितने भी बच्चे जॉब गोअर्स हैं या फिर जितने भी बच्चे आपके कॉलेज गोअर्स हैं वो भी आके अटेंड कर पाए ठीक है एक वीडियो देख लो यार अगर आपको लगे आप कनेक्ट कर पा रहे हो अगर आपको लगे आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो बेस्ट है वरना वरना कोई दिक्कत ही नहीं है है ठीक पीछे से देख लेना तो लेट मी इंट्रोड्यूस सेल्फ नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ट्वाइस इन गेट इन ट्वेंटी आई वॉज अवारेडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन द दर ट्वेंटी आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी इंदोर टिल डेट आई हैव ट्रेन मोर देन वन लैक स्टूडेंट इन दी ऑनलाइन एंड दी ऑफलाइन क्लासेस एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट अन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट अब ये सब बातें यार आप लोग मेरे बारे में जानते हो बेटा बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज दैट अन अकेडमीडमी की वजह से बेटा हम हैं अन अकेडमी है तो हम सब लोग आपको इतने सारे फ्री इनिशिएटिव प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड दैट डिजर्व राउंड ऑफ एप्लॉज तो बेटा एक बार दिल बन जाने चाहिए अन अकेडमी के लिए क्योंकि अन अकेडमी इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ अरेवल्यूशन इट इज अनमैचेबल अनकम्पेरेबल एंड अनबीटेबल और आपके लिए फ्री इनिशिएटिव सिर्फ बेटा यूट्यूब पे नहीं अन पर भी चलते हैं जहां पर आप अगर अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करते हो यू कैन एक्सेस एनी फ्री इनिशिएटिव और वहां पर आप फ्री इनिशिएटिव ओपन करने के लिए क्या कोड लगा देंगे अंकित ईएस अंकित ईएसई अब देखो आपको सारी स्पेशल क्लास यार एक जगह मिल जाएंगी टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अंकित एस सी अपकमिंग में जाओगे ना बेटा तो आपको मेरा शेड्यूल मिल जाएगा और मैं इस शेड्यूल को लगातार अपडेट करता रहूंगा ताकि आप लोग मेरे सारे सारे इनिशिएटिव्स अटेंड कर पाओ अब इसके बाद देखो ये जो हमारा लिंक है इस पे इस पे चैनल के सारे वीडियोस हैं और इन वीडियोस के अंदर कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा साथ ही साथ मिलेंगे इनके पीडीएफ नोट्स ठीक है इसके अलावा मेरे बच्चों आप चाहें तो प्लस पे आ सकते हैं जहां आपको मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और सिर्फ इतना ही क्यों लेक्चर के नोट्स और आपको मिलता है डेली असाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और और बेटा कोई डाउट रह तो डाउट रह जाए तो क्लियरिंग और एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे बैच अटेंड कर सकते हो वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पी एस यू ए और इसके अलावा मेरे बच्चों इसके अलावा आपका कोई लेक्चर छूट जाता है यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड और अगर इतना भी कम लग रहा है तो आप जाइए आइकॉनिक के लिए जहां प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है एक पर्सनल कोच जो पूरी स्ट्रेटेजी बनवाता है जो पूरा टाइम टेबल बनवाता है और टीचर्स देते हैं पर्सनल अटेंशन और इसके अलावा आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलता है जहां पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती है और आपको मिलता है स्टडी मटेरियल जिसके अंदर होता है थ्योरी और क्वेश्चन बैंक और इसके अंदर यार आपकी एक डेडिकेटेड डाउट टीम होती है जो कि आपका सेम डे सेम मोमेंट पे आंसर करती है तो आपको अगर इस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है यू कैन ऑलवेज यूज द कोड अंकित ई ई जहां से आपको मिलेगा यार टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है तो बेटा फ्री हो प्लस हो आइकॉनिक हो सबका ताला खोलता है अपना अंकित ई और देखो आपको प्लस और आइकॉनिक पे टेन परसेंट डिस्काउंट भी दिलवाता है लेकिन ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द फाइव परसेंट होने वाला है यार इसीलिए जल्दी से जल्दी मेरे बच्चों आप लोग प्लस पे आ जाएंगे और ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है यार इन विच यू कैन अटेंड ऑल द सब्जेक्ट बाय द टॉप एजुकेटर्स इन इंग्लिश यूज कोड अंकित ईएसई फॉर गेटिंग टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्युनिकेशन के लिए भी आर स्टार्टिंग सिमिलर बैच ठीक है तो अंकित ईएसई कोड से बेटा आपका वन ईयर का फीस होगा ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव टू वन एंड हाफ ईयर थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड टू ईयर के लिए जाएंगे क्योंकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ता है एंड यू कैन ऑलवेज पे इन टर्म्स ऑफ ई एम आई विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट तो बारह इक्वल ई एम आई में आप पे कर सकते हो और बेटा सबसे बढ़िया बात यह ई एम आई आपको डेबिट कार्ड पर भी मिल जाएंगे यू डोंट नीड टू हैव क्रेडिट कार्ड ठीक है अब अंकित ई एस सी कोर्ड से बेटा आपका आइकॉनिक वन ईयर का होगा फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव एंड टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन आप टू ईयर के लिए जाइए ताकि आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाएँ एंड यू कैन ऑलवेज पे इन टर्म्स ऑफ ई एम आई नवाजीश पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कब से कंटिन्यू करेंगे उम्मीद बैच में बेटा उम्मीद बैच का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो चुका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव लाएंगे लेकिन बाद में लाएंगे ठीक है आयुष कह रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को देखते हुए पढ़ाएं बेटा उसके लिए तो पूरा इलेवन ट्वेल्थ का मैथ्स रिपीट करना पड़ जाएगा दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ठीक है उसके लिए हमने फाउंडेशन चैनल बनाया था वहां जाके पढ़ सकते हैं ठीक है पावर सिस्टम की पीडीएफ यार मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी इस कोर्स के सभी पी सारे लेक्चर के लिंक आपको यहां मिलेंगे टी डॉट एम ई स्लैश गेट ए आई आर वन ठीक है टी डॉट एम ई स्लैश गेट ए आई आर वन क्लियर है आपको यहां पे मिलेंगे मैकेनिकल का बेटा अजय हमारे अदर चैनल्स है जैसे अन अकेडमी गेट एम ई पी आई आप उस पर जाओ वहां पे आपको मैकेनिकल के कंप्लीट बैचेस मिलेंगे ऑन यूट्यूब ठीक है बिल्कुल इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ पंकज सर के साथ थोड़ा सा पर्सनल इश्यू चल रहा है तो उन्होंने बोला है वो अट्ठारह से कंटिन्यू करेंगे यानी कि थर्सडे से ठीक है जेई वाले बैच भी बच्चे भी इसको देख सकते हैं डिजिटल लॉजिक बेटा इसी हफ्ते से स्टार्ट करूंगा सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो शंकर सर से पढ़ लो ना सुबहदीप क्या दिक्कत है शंकर सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं बेटा अटेंड करो इस टीम का हर टीचर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देगा आप लोग अटेंड करो बढ़िया तरीके से ठीक है नेटवर्क कंट्रोल और मैथ्स नीतीश मैथ्स आपका स्टार्ट होगा रात ग्यारह बजे से ठीक है मैथ्स रात ग्यारह बजे से स्टार्ट होगा तो आप मैथ्स भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो मशीन अभी स्टार्ट करेंगे वरुण सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं लूंगा लेकिन बाद में लूंगा ठीक है चलो अब बाद में बात करेंगे यार ये सब चीजों की चलो स्टार्ट कर लें आज का सेशन स्टार्ट कर लें भाई आज का सेशन चलो स्टार्ट करते हैं फिर तो यार इससे पहले हम स्टार्ट करें एक लाइन रीड करना बहुत जरूरी है ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन यार अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना लाइफ में तो कभी भी बहुत अच्छी चीजें आप लोग नहीं कर पाओगे आपको अपने कंफर्ट जोन से ना बेटा बाहर आना बहुत जरूरी है अगर हमारा कंफर्ट जोन ये कहता है कि यार मैं दिन में दो ही घंटे पढ़ पाऊंगा मैं इसको इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा तो बाहर आइए बाहर आइए और आप ज्यादा मेहनत कीजिए तो यार आप लोग जब तक अपनी बाउंड्रीज को खुद एक्सीड नहीं करोगे ना जब तक आप लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे और मैं आपको एक चीज और बताऊं बच्चों यहां पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो लिमिटेशन है ना वो आपका माइंड सेट करता है आप खुद सेट नहीं करते हो आपका माइंड आपको बताता है ये आप कर पाओगे ये आप नहीं कर पाओगे दिस इज इन योर रीच दिस इज नॉट इन योर रीच तो बेटा ये चीजों से आगे बढ़ना ये चीजों से उभरना है आपकी रीच में बहुत कुछ है जस्ट यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देन यू विल सी दैट द मैजिक बिगिंस है ना बहुत चीजें ना हम अपने आप को होल्ड बैक करते हैं हम अपने आप को अगर आगे पुश करने लगे तो बेटा हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं अगर हमने खुद सोच लिया ये हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा और सोच लिया कि करके दिखाना है तो कर दिखाएंगे ठीक है पवन बेटा रिस्पॉन्स आने तो मैं आप लोगों से बिल्कुल पूरा पेपर डिस्कस करूंगा गेट इलेक्ट्रिकल का बेटा नोट्स के नाम पे आपको ये पीडीएस मिल जाएंगे कोई जरूरत नहीं है कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है नोट्स डिक्टेट करने की अभी आप देखो कितना गजब का लेक्चर जाने वाला है आप लोग व्हाइट बोर्ड की टीचिंग को भूल जाओगे दैट इज अ प्रॉमिस ठीक है बेटा YouTube पे आएगा आपका डिजिटल लॉजिक का कोर्स मैं लूंगा एंड दैट आई टेक ऑन रविंद्र बाबू सर चैनल फॉर सी एस स्टूडेंट ठीक है चलो तो शुरू करते हैं यार तो देखो यार क्या होता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्या रोल है पावर सिस्टम के अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है जनरेटर होता है ट्रांसमिशन लाइंस होती है आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते मेरे बच्चे कि इनमें से कोई भी कंपोनेंट कभी डैमेज नहीं होगा कभी फेल नहीं होगा कभी उसके अंदर फॉल्ट नहीं आएगा ऐसा आप एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते हो तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं फेलियर और कहीं ना कहीं कोई परेशानी आनी ही आनी है तो बच्चों अगर ऐसा होने वाला है तो आपको पहले से उस परेशानी के लिए तैयार होना होगा आपको पहले से उस फॉल्ट उस प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना होगा और अगर आप इस चीज के लिए पहले से रेडी रहते हो देन कम्स दे पिक्चर दैट इज द पावर सिस्टम प्रोटेक्शन तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन क्या है बेटा एक टेक्निक है कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम पावर सिस्टम के अलग अलग इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मर जनरेटर लाइन और लोड ठीक है तो यह चीज हमारा यहां पे मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है अब देखो बात इतनी सी है वी कॉन्ट डिजाइन एनी इक्विपमेंट विच कैन नेवर फेल बट वी नीड टू वी नीड टू टेक केयर अबाउट द फेलियर वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट फेलियर एंड वी नीड टू डिजाइन द प्रोटेक्शन सिस्टम सच दैट इट कैन प्रोटेक्ट आर इक्विपमेंट फ्रॉम फेलियर ठीक है तो यार देखो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर दैट विल नेवर फेल इक्विपमेंट फेल एंड वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ वी नीड टू प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भाई मान लो कहीं पे स्पार्किंग हो गई तो अब उसके आजू बाजू के लोगों को झटका ना लगे इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है अब मान लो लाइन के अंदर फॉल्ट आ गया मैं ये नहीं चाहता उसके से मेरा जनरेटर डैमेज हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है तो देखो प्रोटेक्शन सिस्टम का बच्चों काम क्या होता है कि जो भी फॉल्टी इक्विपमेंट है वेदर इट इज अ ट्रांसफॉर्मर वेदर इट इज अ लाइन उस फॉल्टी इक्विपमेंट को सिस्टम से हटाया जाए फॉल्टी इक्विपमेंट को हटाया जाए ऐसा कभी भी ना हो यार कि फॉल्ट लाइन में आया है और हम जनरेटर को हटा दें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी गलती उसी को रिमूव किया जाए बाकी इक्विपमेंट्स को टच ना किया जाए तो दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव एन वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन सिस्टम तो बेटा इस चीज़ से हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि कभी भी गलत इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट नहीं करना है जिसकी गलती है उसको डिस्कनेक्ट कीजिए और बाकी के सारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट कर लीजिए तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इसीलिए बहुत मेजर मेजर पार्ट होता है क्योंकि क्या है हमारा पूरा पावर सिस्टम ना यार कनेक्टेड है पूरे इंडिया के हर जनरेटर हर लोड आपस में कनेक्टेड है तो एक का फॉल्ट ऐसा हो सकता है कि भाई पूरे सिस्टम को डाउन ले जाए लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं ये चाहता हूं कि जहां फॉल्ट हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और बाकी के मेरे सारे के सारे इक्विपमेंट एज इट इज रिटेन रहने चाहिए समझ आ रही है बात क्योंकि बेटा क्या होता है ना कई बार जब एक जगह फॉल्ट आ जाता है तो उसके पूरे सिस्टम को नुकसान होता है वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए समझ आया पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्या रोल है यार पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का मतलब समझ आया क्या रोल है ये फॉल्ट को प्रिवेंट नहीं करता लेकिन बेटा ये फॉल्ट को प्रपोगेट करने से प्रिवेंट करता है यानी फॉल्ट लाइन से ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर से जनरेटर जाए ये रोकना है फॉल्ट ही ना आए ऐसा तो नहीं होगा ठीक है ऐसा तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा चल अब देखो यार अब प्रोटेक्टिव स्कीम इंक्लूड सर्किट ब्रेकर एंड प्रोटेक्टिव रिले इनका मतलब समझते हैं यार इनका रीजन समझते हैं क्या होता है देखो प्रोटेक्टिव रिले क्या है ठीक है प्रोटेक्टिव रिले क्या है रिले वो है जो सिस्टम का करंट और सिस्टम की कंडीशन देखते हुए सर्किट ब्रेकर को ये चेतावनी देता है

सेम वे में सर्किट ब्रेकर ये टास्क पूरा करेगा लेकिन इसको करने के लिए बोलेगा कौन बोलेगा आपका रिले तो बेटा रिले के अंदर वो दिमाग होता है रिले के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो जज कर सकता है सिस्टम में आ चुका है फॉल्ट और जब वो ये जज कर लेता है तो वो उस फॉल्ट को हटा भी सकता है ठीक है हटा भी सकता है तो बेटा दैट इज द मेजर पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोटेक्शन तो रिले पहले फॉल्ट डिटेक्ट करेगा सर्किट ब्रेकर देन सर्किट ब्रेकर अब इसके अंदर देखो एक चीज होती है रीले को, रीले को हमेशा ऑपरेट करना होता है एट मिनिम फॉल्ट करेंट क्यों अगर रिले मिनिमम करेंट को भी रिकॉगनाइज कर लेगा कि यह फॉल्ट है तो उससे ज्यादा करेंट को तो हमेशा समझेगा कि यह करेंट है सॉरी ये फॉल्ट है ये फॉल्ट है समझ रहे हो मेरी बात को अगर मिनिमम करंट को वो समझ लिया ये फॉल्ट है तो बेटा उससे ज्यादा करंट को हमेशा समझेगा दैट इट इज अ फॉल्ट तो इसीलिए इसीलिए जैसे ही हालात खराब होने शुरू होते हैं अगर उसने उसी को जज कर लिया तो उससे ज्यादा खराब हालात को हमेशा जज कर लेगा वहीं सर्किट का ब्रेकर का काम क्या है भाई सर्किट ब्रेकर का, का काम क्या है उस फॉल्ट को एक्चुअली क्लियर करना लेकिन क्या होता है बेटा आज जैसा हम देखेंगे जब सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को रिमूव करने जाता उसकी है उसकी प्लेट सेपरेट होती हैं तो उनके बीच में एक आर्क बन जाती है अब जितना खतरनाक फॉल्ट होगा उसके बीच की आर्क उतनी ही ज्यादा डेंजरस होगी जिस कारण से सर्किट ब्रेकर क्या हो सकता है डैमेज इसीलिए बेटा सर्किट के ब्रेकर केस में बात की जाती है मैक्सिमम करेंट की यानी सर्किट ब्रेकर अगर हाईएस्ट करंट तक को झेल सकता है तो उससे कम करंट को भी झेलेगा रिले को ना कभी करंट झेलना नहीं है रिले को एक्चुअल में क्या करना है करंट को रिकॉग्नाइज करना है कि यार फॉल्ट आ गया है लेकिन उस करंट से एक्चुअली किसको गुजरना है उसमें गुजरना किसको है जो आपका सर्किट ब्रेकर है ऐसे समझो मैनेजर को प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट जो होता है ना मैनेजर को एग्जीक्यूट नहीं करना होता कभी भी कोई मैनेजर प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट काम नहीं करता लेकिन उस मैनेजर से को काम कराना पड़ता है बट काम का लोड एक्चुअल में किस पे जाता है वर्कर्स पे जाता है सेम वे में बेटा फॉल्ट का लोड सारा सर्किट ब्रेकर पे जाएगा रिले तो बस इतना बता दे रहा है कि फॉल्ट आया है अब रिले को जब लग गया ना छोटे से छोटे करंट पे मान लो मिनिमम करंट है पांच तो अगर रिले पांच को फॉल्ट बोल रहा है तो छ सो सात आठ सौ सबको फॉल्ट बोलेगा लेकिन सर्किट ब्रेकर को तैयार रहना पड़ेगा 800 वाले फॉल्ट के लिए क्योंकि वो मैक्सिमम करंट है अगर सर्किट ब्रेकर उसको हैंडल कर गया तो बेटा वो 500 वाले करंट को तो इजीली झेल जाएगा मतलब इट इज जस्ट फॉर फन उसके लिए तो मजाक हो जाएगा ना पांच वाला क्या है क्या ही है ऐसे यूं कर देगा मतलब यूं तो है ना बस यूं अरे पांच वाला लो भाई कुछ नहीं हुआ तो ये चीज को समझो थोड़ा सा ना फील लो इस चीज का कि भाई जो झेल रहा है करंट जो झेल रहा है उसको देखना क्या पड़ेगा उसको देखना क्या पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम करेंट क्या है और रिले को सिर्फ क्या देखना है कि मिनिमम करेंट क्या है तो यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना सर्किट ब्रेकर आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम फॉल्ट करेंट एंड रिलेज आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम फॉल्ट करेंट ठीक है बात क्लियर हुई चलो अगली बार से फोन थोड़ा सा डार्क कर देंगे यार अभी मैं सारी स्लाइड्स को एडिट नहीं कर पाऊंगा दैट आई विल टेक केयर है ना बेटा बिल्कुल इस बार मैं प्लस पे नेटवर्क एनालॉग मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट ये छह सब्जेक्ट तो डील करने वाला हूं बाकी मुझे आइडिया नहीं माइट बी माइट नॉट बी ये छह सब्जेक्ट आई एम कमिटिंग ये मैं कवर करूंगा ठीक है अब देखो यार दो तरह के फॉल्ट होते हैं ट्रांजिएंट और सस्टेन ट्रांजिएंट और सस्टेन ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है जो कि बहुत कम समय के लिए टिकेगा जिसके बाद वो गायब हो जाएगा और सस्टेंड का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है बेटा जो लंबे समय तक टिकने वाला है वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर वो रह गया तो वो सिस्टम को डैमेज कर जाएगा और जो जल्दी ही गायब हो जाएगा वो कम खतरनाक है क्योंकि वो अगर हम कुछ ना भी करें ना तो भी वो गायब हो जाएगा अगर हमने कुछ नहीं भी किया तो भी वो चला जाएगा वो हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करेगा ठीक है चलो अब यार टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्विच देखो चार तरह के स्विच होते हैं फ्यूज लोड इंटरप्टर लाइन आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर आज मैं आप लोगों से इन सभी स्विचेस के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कशन करने वाला हूं कि चार स्विचेस क्या क्या होते हैं और बेटा आपको बहुत ज्यादा ना मजा भी आने वाला है बहुत ज्यादा मजा और फील आने वाला है आप ये समझ जाओगे आज इस लेक्चर के अंदर वाई ऑनलाइन एजुकेशन इज मच मच बेटर देन ऑफलाइन यार देखो ऐसे एग्जाम्पल नहीं है ट्रांजियंट और सस्टेंड का मान लो जैसे कि कोई लकड़ी की टहनी गिर जाती है कोई पेड़ की टहनी गिर जाती है ट्रांसमिशन लाइन पे उससे क्या होता है लाइन ना शॉर्ट सर्किट हो जाती है टावर के साथ अगर लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई बेटा टावर के साथ ये लकड़ी अगर टिकी रह गई तो सस्टेंड है ये लकड़ी अगर जल के डैमेज हो गई तो ट्रांजियन फॉल्ट है समझ आया ट्रांजिएंट फॉल्ट वो है जो गायब हो जाए किसी भी कारण से हट गया लेकिन हट गया और सस्टेंड वो है जो टिका रह जाए समझ रहे हो ना सस्टेंड में बेटा होती है टेस्ट मैच वाली इनिंग्स और ट्रांजिएंट में होती है टी20 वाली इनिंग्स चलो अब आ जाते हैं यार फ्यूज पे आप देख रहे हो ये सारे फ्यूजेस हैं ये सारे फ्यूज हैं अब बेटा आप लोग फ्यूज का मतलब बहुत अच्छे से समझते हो आप लोग फ्यूज बहुत अच्छे समझते हो और मेरे हिसाब से आपने कभी ना कभी लाइफ के अंदर फ्यूज देखा जरूर होगा बिल्कुल देखा होगा मेरे पास अभी तो एक्सटेंशन नहीं पड़ी नहीं तो मैं आपको एक्सटेंशन का फ्यूज निकाल के बताता अब फ्यूज का बेटा बैच नॉट द स्पार्क बैच स्पार्क बैच इज ऑन प्लस विच है हिंदी बैच दैट इज अ इंग्लिश बैच ठीक है हा तो देखो फ्यूज का क्या मतलब होता है यार फ्यूज के अंदर ना एक वायर होती है जो कि फ्यूज के दोनों छोर को कनेक्टेड रखती है अब इस वायर में से जब करंट फ्लो करता है बेटा तो ये वायर गर्म होने लगती है ये वायर जब गर्म होने लगती है तो कुछ समय बाद ये वायर मेल्ट हो जाती है और फ्यूज के दोनों छोर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सिंपल सा फंडा है वेन एवर करेंट पासेज थ्रू आर रेजिस्टेंस इट जनरेट हीट दैट हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर एंड वेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट दैट वायर मेल्ट डाउन एंड डिस्कनेक्ट बोथ द टर्मिनल तो देखो बेटा हीट कितनी प्रोड्यूस होती है हीट हमेशा होती है आई स्क्वायर आर टी ये मत कहना सर हीट होती है आई स्क्वायर आर हीट होती है आई स्क्वायर आर इन टू टी ये एनर्जी है इट इज नॉट पावर तो बेटा हीट एनर्जी अगर थर्मल लिमिट से ज्यादा हो गई थर्मल लिमिट क्या होती है ना थर्मल लिमिट एक मैक्सिमम हीट लिमिट होती है जो कि हर मटेरियल के लिए हर इक्विपमेंट के लिए डिफाइंड होती है यानी कि ये इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट कितना हीट झेल सकता है उसे हम कहते हैं थर्मल लिमिट अगर आपको याद हो इस बारे में मैंने बात किया था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि लोडिंग की लिमिट में तीन लिमिट आती है थर्मल वोल्टेज ड्रॉप और आपका स्टेबिलिटी लिमिट तो बेटा थर्मल लिमिट अगर एक्सीड हो गई तो फिर आपका फ्यूज का वायर मेल्ट डाउन हो जाएगा ठीक है और सर्किट हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा ओपन अब बात है फ्यूज वायर की लेंथ फ्यूज वायर की लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है इस पे मैं अभी आता हूं आगे फ्यूज वायर की लेंथ पे इसको मैं आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जस्ट वेट फॉर फाइव मिनट्स यहां पे ये लिखा है फ्यूज की लेंथ जो है वोल्टेज पे डिपेंड करती है और ये कैसे करती है क्या रिलेशन है सब चीजें बेहतरीन वे में समझेंगे बस पांच मिनट का आप लोग इंतजार करेंगे अब यहां देखो मटेरियल कौन सा यूज करते हैं एल्यूमिनियम टिन कॉपर एंड सिल्वर तो यार देखो एक सिंपल सी बात है फ्यूज के अंदर करेंट फ्लो करता है अगर करेंट फ्लो करता है तो मटेरियल कंडक्टिंग होना चाहिए कंडक्टिंग के लिए या तो आप मेटल यूज करो या फिर आप एलॉयज यूज करो देन ओनली इट विल बी कंडक्टिंग इन नेचर तो मटेरियल यूज्ड आर मेटल्स एंड एलॉयज अब देखो यार फ्यूज का एप्लीकेशन क्या होता है देखो जब प्रोटेक्शन की बात की जाती है मेरे बच्चों तो दो तरह की प्रोटेक्शन स्कीम होती हैं मैं आपको आगे रिलेस के अंदर भी इसमें बताऊंगा हम लोग जो शुरुआत करते हैं ना वो सर्किट ब्रेकर से करते हैं और बाद में रिलेस पे जाते हैं ठीक है अब देखो प्रोटेक्शन दो तरह के होते हैं यार प्राइमरी एंड बैकअप क्या होते हैं प्राइमरी एंड बैकअप अब प्राइमरी प्रोटेक्शन वो होता है जिसकी मेन जिम्मेदारी है किसी भी फॉल्ट को क्लियर करने की मेन जिम्मेदारी किसकी होती है यार प्राइमरी प्रोटेक्शन की यानी कि जैसा ऐसा समझो ऐसा समझो जैसे कि यार अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप छह बैट्समैन लेके खेल रहे हो और पांच बॉलर लेके खेल रहे हो तो रन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई बैट्समैन की वो छह बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि रन बनने चाहिए लेकिन यार अगर बॉलर सेंचुरी मार जाए जैसा कि आज हुआ तो फिर बेटा ये है बैकअप कि अगर ऊपर के बल्लेबाज नहीं चले तो नीचे का बॉलर नीचे का बॉलर रन बनाएगा ठीक है तो बेटा दैट इज दैट इज द प्राइमरी एंड द बैकअप प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रोटेक्शन वो जो कि मेन प्रोटेक्शन स्कीम है जिसका काम है फॉल्ट को क्लियर करना और बैकअप वो अगर प्राइमरी ने अपना काम अच्छा नहीं किया तो बैकअप अपने काम को एग्जीक्यूट करेगा अब हम कहते हैं यार फ्यूज जाना चाहिए बैकअप में फ्यूज जाना चाहिए बैकअप में आप कहेंगे सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों कि फ्यूज जाना चाहिए बैकअप में उसका एक सिंपल सा रीजन है कि यार अगर फ्यूज एक बार चल गया उसकी वायर मेल्ट हो गई अब ऐसा तो है नहीं थोड़ी देर धूप में रख दोगे तो वायर दोबारा जुड़ जाएगी फ्यूज एक बार ऑपरेट होता है उसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है यानी फ्यूज में खर्चा ज्यादा है एक बार फ्यूज खत्म तो खत्म फिर नया लगाना पड़ेगा इसीलिए बेटा अगर इसको प्राइमरी लगा दोगे तो होगा क्या कि ये हर बार फॉल्ट आने पे डैमेज होगा इसीलिए इसको बैकअप में डालो इसीलिए इसको बैकअप में डालो ताकि अगर ये डैमेज हुआ तो ये तब होगा जब कोई और काम नहीं कर पाया तब कोई और काम नहीं कर पाया मजबूरन इसे चलना पड़ेगा मजबूरन इसे चलना पड़ेगा लेकिन ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा देवशीष ने लिखा इट इज एंड थ्रो डिवाइस यूज एंड थ्रो डिवाइस पवन बेटा प्राइमरी में यूज नहीं होता स्विच ओ, आपका फ्यूज कभी भी बेटा प्राइमरी में आपके एम होते हैं प्राइमरी में आपके घर में एम होता है अगर आपने देखा हो कभी भी वोल्टेज या करेंट का सर जाता है तो वह आपकी एमसी गिर जाती होगी ना उसको ट्रिप कर जाती होगी फिर उसको उठाना पड़ता होगा होता है ना ऐसा होता है तो बेटा फ्यूज अगेन इट्स नॉट द प्राइमरी थिंग एमसीबी इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है? अब देखो यहां पे आता है फ्यूजिंग फैक्टर ये होता है मिनिमम फ्यूजिंग करेंट एंड डिवाइडेड बाय द रेटेड करेंट ऑफ फ्यूज अब बात है सर ये मिनिमम फ्यूजिंग करेंट क्या है बेटा मिनिमम फ्यूजिंग करंट का मतलब है कितने मिनिमम करंट पे आपका फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा तो आप कहोगे सर आपने अभी बोला सुनना मेरी बात यहां पे बहुत ध्यान से गौर करना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये बोलेंगे सर आपने बोला फ्यूज तब ऑपरेट करता है जब उसकी हीट एनर्जी थर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाए हीट एनर्जी अगर थर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपका फ्यूज ऑपरेट कर जाता है जी हाँ मैंने बिल्कुल बोला सर आपने बोला हीट एनर्जी में टाइम का फैक्टर आता है जी हाँ मैंने बोला अब सर अगर टाइम बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी तो हीट एनर्जी थर्मल लिमिट से ऊपर जाएगी जाएगी अब यहां हो गई यार समस्या मैं ये बोल रहा हूं एक करंट से नीचे फ्यूज ऑपरेट ही नहीं करता जिसे कहते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट और आई स्क्वायर आर टी अगर सोचें तो बेटा एक समय के बाद तो हीट कभी ना कभी थर्मल लिमिट को एक्सीड कर ही जाएगी थर्मल लिमिट को एक्सीड जैसे ही करेगी फ्यूज विल ऑपरेट प्रॉब्लम समझ आ रही है जो हमने फ्यूज़ की वर्किंग समझाई और जो हमने उसका ग्राफ देखा उसमें एक गैप आ गया सबसे बड़ा गैप क्या आ गया कि भाई फ्यूज़ को किसी ना किसी टाइम पे कंसेपचुअली अगर जाए तो ऑपरेट करना चाहिए था और यहाँ पे हम कह रहे हैं फ्यूज डज नॉट ऑपरेट बिलो मिनिमम फ्यूजिंग करंट। और इसका आंसर देवाशीष ने एकदम एक्यूरेटली दिया है क्योंकि भाई डिसिपेशन भी होता है बिल्कुल आपका टेम्परेचर की जब आप बात करते हो तो दो तरह की हीट देखोगे एक जो हीट फ्यूज के अंदर पैदा हुई और एक जो हीट फ्यूज की वजह से एटमॉस्फेयर में गई जितनी हीट पैदा हुई अगर उतनी ही एटमॉस्फेयर में निकल गई तो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन पैदा ज्यादा हुई निकली कम तो टेम्परेचर बढ़ेगा और तब एक ना एक समय बाद ये फ्यूज़ बिल्कुल ओपन हो जाएगा चमका भाई फील आया कि नहीं आया जल्दी बताओ फील आया मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस बताओ चमक रहा है बहुत बढ़िया तरीके से तो मेरे भाई मिनिमम फ्यूजिंग करेंट के ऊपर ही फ्यूज ऑपरेट करता है क्योंकि यहां पे हीट जनरेटेड इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड अब आप कहेंगे सर ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिखाई है सर आपने हाइपर बोला कैसे बना दिया आपको कैसे पता हाइपर बोला है ठीक है अब उस पर भी बात कर लेते हैं यार देखो क्या होता है आई स्क्वायर आर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्मल लिमिट तो ये ऑपरेट करेगा चलो मैं क्यू लिमिट कह देता हूं तो टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन अब ये दिख रहा है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इसीलिए कहते हैं इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऐसे समझो ना यार ज्यादा करंट होगा अगर ज्यादा करंट अगर होगा तो बेटा टेम्परेचर बहुत जल्दी ही थर्मल लिमिट के ऊपर निकल जाएगा हीट बहुत जल्दी ही थर्मल लिमिट के ऊपर निकल जाएगी इसीलिए जब करंट ज्यादा होता है तो फ्यूज जल्दी ऑपरेट करता है फ्यूज ऑपरेट फास्टर और बेटा जब जब आपका करंट कम होता है फ्यूज ऑपरेट स्लोअर फ्यूज ऑपरेट स्लोअर ठीक है कम करेंट पे स्लो चलता है और हाई करेंट पे तेज चलता है हाई करेंट पे तेज चलता है अब चमक गया अब चमका के नहीं चमका जल्दी से बताओ चमक गया भाई बेटा मेरे को तो नहीं लगता कोई बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी फिर भी अपनी सुख सुविधा के लिए सीएल वाधवा रेफर कर सकते हो लाइव प्लीज इसरो बार्क डीआरडीओ के इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच अच्छा चलो ठीक है नोटेड देखते हैं समझ आया ना बढ़िया तरीके से चल अब देखो यार मैंने आपको बताया था मैं आपको समझाऊंगा लेंथ किस हिसाब से डिसाइड होती है देखो क्या होता है मान लो जैसे कि एक सर्किट ले लो ऐसे समझना यहां पे कितना करंट जा रहा होगा यार V बाय आर ना अब जब ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तब फ्यूज के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी यार ओपन सर्किट हो गया ना करंट तो जाएगा नहीं तब फ्यूज के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी आपकी वी एस, वी एस आ जाएगी अब मेरे भाई फ्यूज के दो टर्मिनल्स के बीच में फ्यूज के दो टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वी एस डी श्रीकांत आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेरी डोंट स्पैम द चैट माय डियर स्टूडेंट्स ठीक है वी एस डी अब देखो यहां पे क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यार डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई आप लोग डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो समझते हो ना मैंने पढ़ाया भी था पावर सिस्टम में डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे की कोई मीडियम डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो होके इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग बन जाता है जहां कोई मीडियम इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज्यादा हो गई तो एक आर्क फॉर्म हो जाएगी आर्क फॉर्म इनफ्यूज और जो आर्क फॉर्म होगी ना इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा तो इसीलिए हमने क्या बोला कि अगर अगर वी एस इंक्रीज करता है तो इंक्रीज डी आल्सो, इंक्रीज डी आल्सो, सो दैट डज नॉट इंक्रीज समझ आया मैं ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है आप फ्यूज की लेंथ भी बढ़ाओ आप फ्यूज की लेंथ भी बढ़ाओ जिसकी मदद से होगा क्या कि आपका जो बीच का मीडियम है वो कभी आयनाइज नहीं होगा इसीलिए मैं क्या बात करता हूं कि लेंथ ऑफ फ्यूज इज प्रपोर्शनल टू वोल्टेज चमक गया यार बताओ अब तो देखो फ्यूज के अंदर मटेरियल कौन सा यूज होगा कंडक्टर यानी कि मेटल या फिर एलॉय मेटल या फिर एलॉय उसके अंदर लेंथ किससे डिसाइड होगी वोल्टेज से एरिया किससे डिसाइड करोगे एरिया डिसाइड करोगे आप उसके रेजिस्टेंस से या फिर उसकी करंट रेटिंग से तो इस तरह से अरे भाई सुमित सुन ली बेटा तुम्हारी बात मैंने बोला तो पॉइंट नोटेड और कैसे करोगे बताओ एक ही कमेंट बार बार क्यों डालते हो ठीक है चल तो ये हुआ पहला फ्यूज सॉरी पहला स्विच अगला स्विच आता है अपना लोड इंटरप्टर देखो लोड इंटरप्टर हमने यहाँ पे दिखाया भी है ये लोड इंटरप्टर का, का काम क्या होता है यार कि जैसे ही सिस्टम का लोड फुल लोड से बढ़ जाए सिस्टम का लोड जब आपका रेटेड पावर से बढ़ जाए तब आप उस लोड को डिस्कनेक्ट कर दें तो, तो दैट इज कॉल्ड एज द लोड इंटरप्टर बेटा ये 61 वन लेक्चर है सिक्सटी लेक्चर मैंने डिसम्बर तक कवर किए थे ठीक है अरे हां भाई देख लेंगे क्वेश्चन ठीक है अब बात को सुनो यार लोड इंटरप्टर क्या है लोड इंटरप्टर क्या है एक ऐसा स्विच विच डिस्कनेक्ट द लोड वेन एवर द लोड एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू और द लोड एक्सीड्स द मैक्सिमम लोड सिस्टम के अंदर ना एक रेटेड है यानी एक सिस्टम के अंदर रिकमेंडेशन है कि भाई इससे ज्यादा लोड नहीं लगाना चाहिए आप लगा दोगे तो ये स्विच उसको डिस्कनेक्ट कर देगा तो ये ऑब्वियसली कहाँ पे चलता है ये चलता है फुल लोड पे क्योंकि जैसे ही आप फुल लोड के ऊपर जाओगे इट विल डिस्कनेक्ट इट विल डिस्कनेक्ट तो इसीलिए हम कहते हैं लोड इंटरप्टर वर्क एट फुल लोड ठीक है लोड इंटरप्टर ऑपरेट्स एट फुल लोड ठीक है तो इट इज यूज टू अवॉइड ओवरलोड इट इज यूज टू अवॉइड ओवरलोड इट इज यूज फॉर लोड करटेलमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट लोड करटेलमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट ठीक है ये बात क्लियर हो गई टेन ओ क्लॉक टू लेट सर लिटिल अर्ली बेटा लिटिल अर्ली सारे सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट लग रहे हैं अब सारे सब्जेक्ट में पैरेलल तो लगा नहीं सकता ना कि सब लोग एक साथ लाइव आ गए लो भैया हो गया अर्ली ऐसा नहीं होगा और इंजीनियर्स के लिए दस बजे कौन सा लेट हो गया मेरे भाई लाइन आइसोलेटर लाइन आइसोलेटर का काम क्या होता है लाइन आइसोलेटर का काम यह होता है जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर दो कॉन्टेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उसके बीच में क्या बन जाएगी आर्क उसके बीच में क्या बन जाएगी आर्क तो बेटा ये सेपरेशन हाई रखना पड़ेगा और ये सेपरेशन को हाई कौन रखता है लाइन आइसोलेटर यानी लोड इंटरप्टर ने या फिर सर्किट ब्रेकर ने या फिर फ्यूज ने अगर इनफ डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया तो इनफ डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा लाइन आइसोलेटर क्योंकि जैसा आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड है वी बाई डी तो अगर डी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज ठीक है तो देखो ये लाइन आइसोलेटर आपको दिखा रखा है अगर ये यहां से डिस्कनेक्ट हो गया तो बेटा देख रहे हो कितना बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा समझ रहे हो इतना बड़ा ये गैप प्रोवाइड कर देगा आपके दोनों टर्मिनल्स के बीच में तो इसका काम सिर्फ क्या है गैप प्रोवाइड करने का ये फॉल्ट को क्लियर नहीं कर रहा फॉल्ट पहले ही क्लियर हो गया चाहे फ्यूज ने किया लोड इंटरप्टर ने किया सर्किट ब्रेकर ने किया जिसने भी किया लेकिन फॉल्ट जा चुका है अब उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो पाए श्रीधर बेटा हमें लाइन लोड इंटरप्टर के अंदर नहीं जाना कि मैं उसका पूरा डायग्राम उसकी पूरी वर्किंग समझूं अभी हम क्या समझ रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर्किट ब्रेकर लेकिन हम लोग सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बता रहे हैं कि कौन कौन से अदर स्विचेस भी पावर सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं ठीक है अब देखो यार इट इज ऑपरेटेड एट नो लोड ऑपरेटिंग कंडीशन जैसे मैंने बताया ना लोड इंटरप्टर फुल लोड पे चलता है ये चलता है किस पे नो no लोड पे क्योंकि यार एक बार लोड इंटरप्टर ने कर दिया तो करंट तो जीरो हो गया अब करंट जीरो होने के बाद आपका लाइन आइसोलेटर काम करेगा यानी उस समय पे क्या होगा नो लोड और इसका पर्पज क्या है टू प्रोवाइड मोर क्लियरेंस टू प्रोवाइड मोर क्लियरेंस और टू इंक्रीज सेफ्टी ऑफ पावर सिस्टम यह भी मैं आपको बता चुका ठीक है तो बेटा ये ज्यादा गैप प्रोवाइड करता है ताकि आर्क ना बने टू अवॉइड आर्क आई मैंने आपको बताया ना आर्क कैसे बन जाती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है तो बीच का मटेरियल आयनाइज हो जाता है और पूरे में बन जाती है आर्क तो ये आर्क अवॉइड करने की कोशिश करता है देखें कैसे काम करता है यार देखो अब यहां पे ये एरिया वन है और ये एरिया टू है ये एरिया वन है और ये एरिया टू है अब मान लो एज्यूम कर लो कि पावर ऐसे जा रही है मैं लिख भी दे रहा हूं एज्यूम वरना पूछोगे कैसे पता अब बेटा अगर ये पावर अगर ये पावर फुल लोड से अगर ये पावर फुल लोड से ज्यादा हुई ठीक है अगर ये पावर फुल लोड से ज्यादा हुई पी ग्रेटर देन पी एफ एल तो क्या होगा लोड इंटरप्टर इसको डिस्कनेक्ट कर देगा भाई लोड इंटरअप्टर इसको डिस्कनेक्ट कर देगा तो देखो भाई लोड इंटरअप्टर ने डिस्कनेक्ट कर दिया लेकिन बेटा यहां पे गैप रह गया कम गैप रह गया कम अब यहां पे चांसेस क्या है भाई यहां पे चांसेस ऑफ आर्क फॉर्मेशन हो गए आर्क अभी मैं पढ़ाऊंगा भाई थोड़ा सा रुक जाओ अभी आर्क को यही समझो कि आर्क इज नथिंग बट आयनाइज मीडियम बिटवीन टू कॉन्टेक्ट्स और बीच का मीडियम अगर कभी आयनाइज हो जाए तो बेटा फिर उससे करंट फ्लो करने लग जाता है और उसे हम कहते हैं आर्क कितने लेक्चर रिमेनिंग है बेटा मैं पंद्रह मार्च तक आपका ये सिलेबस वाइंड अप कर दूंगा जैसा मैंने बोला था इस बार से मैं आप लोगों को पहले एंड डेट बता दूंगा पंद्रह मार्च तक इट विल बी कवर्ड ठीक है और इसमें मैं कवर क्या क्या करूंगा प्रोटेक्शन कवर करूंगा इसके बाद हम बात करेंगे लोड फ्लो की फिर इकोनॉमिक्स की और फिर जनरेशन की चार टॉपिक्स अब देखो ये आर्क फॉर्मेशन बचाने के लिए लाइन आइसोलेटर काम किया और इसने क्या कर दिया इसने इंक्रीज कर दिया अब समझ आया लाइन का आइसोलेटर का काम क्या है तो लाइन आइसोलेटर ना हर स्विच के साथ लग सकता है जहां जहां आपको लगे ना रिस्क है आर्क बनने का तो इसको आप हर स्विच के साथ लगा सकते हो यह अकेला किसी काम का नहीं है यह अकेला बेटा किसी भी काम का नहीं है लेकिन ये दूसरे के साथ लग के ना बहुत यूजफुल हो जाता है ये दूसरे के साथ लग के बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है राहुल बेटा मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज करना ठीक है चलो अब यार अपने मेन स्विच पे आ जाते हैं अपने दिग्गज पे आ जाते हैं दैट इज द सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे ठीक है तो बेटा सर्किट ब्रेकर अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विच है क्योंकि इसी स्विच से ज्यादातर फॉल्ट हम लोग क्लियर करते हैं और मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है ये बेटा रिले के कहने पे काम करता है फ्लैश क्लियरेंस का मतलब डिस्टेंस होता है बेटा तो डिस्टेंस बढ़ा रहा है पॉइंट के बीच में ठीक है तो बात को समझेंगे ये किसके कहे में चलता है रिले के रिले इसे बताता है कब चलना है कब नहीं चलना इसको बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता सिस्टम में फॉल्ट है सिस्टम फुल लोड पे है सिस्टम नो no लोड पे अब है बेटा लेक्चर के एंड तक रुको मैं आपको टेलीग्राम कांटेक्ट दूंगा ठीक है तो बेटा सर्किट का ब्रेकर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है टू ऑपरेट वेन एवर द रिले टेल्स इट टू ऑपरेट टेल्स इट टू ऑपरेट अरे मेरे भाई अभी तो बताया चार यूनिट प्रोटेक्शन फिर उसके बाद आपका लोड फ्लो फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद जनरेशन अभी तो बताया भाई ठीक है रोहित बेटा मुझे तो नहीं लगता मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि 45 मिनट्स हो चुके हैं और 45 मिनट्स के अंदर हमने सिर्फ अभी तक बात की है तीन छोटे छोटे स्विचेस की और अब हम बात करेंगे किसके बारे में सबसे बड़े स्विच के बारे में दैट इज सर्किट ब्रेकर ठीक है आइसोलेटर यार ऑटोमेटिकली वर्क करता है ये सारे स्विचेस ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं यार इसके अंदर कोई भी स्विच मैनुअल नहीं होता अरे मेरे भाई तुम स्पैम क्यों कर रहे हो तुम गधे गधा प्रसाद हो गया एकदम अभी मैंने बोला जनरेशन कराऊंगा चौथी यूनिट तो जनरेशन तुम्हारा जनरेशन हमारा जनरेशन अलग है क्या जनरेशन जनरेशन साडा जनरेशन लोड फ्लो ऐसा है क्या बताओ चलो आ जाओ अब सर्किट ब्रेकर क्या है सर्किट ब्रेकर बेटा एक ऐसा स्विच है जो रिले के कहने पर चलता है ठीक है जो रिले के कहने पे चलता है अब ये समझते हैं पहले तो ये कैसा रिले है और कैसे इससे सर्किट ब्रेकर चलता है अब देखो यहां पे समझना ये नीचे हमने लगाया यार करेंट ट्रांसफॉर्मर सीटी का मतलब क्या है करेंट ट्रांसफॉर्मर ठीक है ना करेंट ट्रांसफॉर्मर है अब आप कहोगे सर करेंट ट्रांसफॉर्मर की क्या जरूरत बेटा करंट का ट्रांसफॉर्मर का काम है करंट को स्टेप डाउन करने का ऐसा सोचो रीले ना जैसे क्या होता है रीले एक बड़ा स्टूडियस टाइप बच्चा है जो चश्मा लगाते हैं ना बड़ा बड़ा वैसा पढ़ाकू टाइप बच्चा है तो बेटा उस पर ना ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते है ना उसे ज्यादा परेशान कर नहीं सकते इसीलिए उसको कभी भी सीधा फॉल्ट करेंट मत देना वो तो मासूम सा बच्चा है उसको आपको स्टेप डाउन करके देना पड़ेगा तो ये कैसा है स्टेप डाउन करेंट ट्रांसफॉर्मर तो ये करंट को ना डिक्रीज कर देता है ये करंट को डिक्रीज कर देता है इससे पहले वो किस में जाए रिले में अब ये है रिले की ऑपरेटिंग कॉइल आप क्या जानते हो यार कभी भी कोई कभी भी अगर कोई कॉइल है कोई इंडक्टर है ठीक है कभी भी कोई इंडक्टर अगर है बेटा उसमें जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इज produce अब मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगी तो ये इस आयरन को ये आयरन का आर्मेचर होता है इसको बोलते हैं आयरन आर्मेचर इसको attract करेगी बेटा इसको अट्रैक्ट करेगी ठीक है तो बेटा जब ये आयरन के आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगी ना तब ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ कॉन्टेक्ट नीचे आएगा अब जैसे ही ये नीचे आता आप कहोगे सर स्प्रिंग क्यों लगाया बेटा अगर स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड की क्या जरूरत अपने वजन से ही नीचे आ जाएगा भाई तो आपको उसे रोकना है यानी वो नीचे तब आना चाहिए जब हाई करंट फ्लो करे तो उसे रोकने के लिए भी कोई लगाया है तो रोकने के लिए कौन लगा है वहां पर स्प्रिंग अब जैसे ही ये नीचे आया जैसे ही ये नीचे आया तो बेटा यहाँ पे ना एक कर... सर्किट पूरा हो जाएगा और करेंट ऐसे फ्लो करने लगेगा करेंट ऐसे फ्लो करेगा अब जैसे ही ये करंट सर्किट ब्रेकर में फ्लो करने लग गया तो सर्किट ब्रेकर इन प्लेट्स को सेपरेट कर देगा सर्किट ब्रेकर अपनी प्लेट्स को सेपरेट कर देगा तो ऐसा नहीं है बेटा रिले जाके उसके कान में बोलेगा तो तुझे पता है क्या यार फॉल्ट आ गया है अरे भाई मुझे तो नहीं पता तुझे पता लग गया क्या चलो ठीक है अब अपन कर देते हैं डिस्कनेक्ट ऐसा नहीं होता होता क्या है रिले उसकी कॉइल में करंट फ्लो करा देता है रिले उसके सर्किट को कंप्लीट करके उसके अंदर करंट का प्रभाव शुरू करा देता है तो यहां पे क्या हुआ पहले यहां पे देखो फॉल्ट करंट आया जो कि था हाई आई था उसे स्टेप डाउन करके रिले की ऑपरेटिंग कॉयल में डाला अब रिले की ऑपरेटिंग कॉयल ने बनाई मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड अब ये मैग्नेटिक फील्ड ने इस प्लंजर को नीचे खींचा अब ये प्लंजर जब नीचे आया तो फिर बेटा ये सर्किट ब्रेकर का सर्किट पूरा हुआ सर्किट ब्रेकर का सर्किट अगर पूरा हुआ तो इस लूप में करंट फ्लो करने लगा अगर करंट फ्लो करने लग गया तो सर्किट ब्रेकर अपनी प्लेट्स को दूर कर लेगा तो मैं आपको यहां पे ये दिखाना चाहता हूं रिले इनफॉर्म कैसे करता है रिले कोई सिग्नल नहीं भेजता रिले क्या करता है एक मकैनिकल पार्ट को मूव करा देता है एक मकैनिकल पार्ट को मूव करा देता है जिससे सर्किट ब्रेकर का सर्किट पूरा हो जाता है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इट इज इलेक्ट्रो मकैनिकल स्विच इलेक्ट्रो मकैनिकल स्विच ठीक है हर्ष बेटा रुक जाओ आपने फॉल्ट एनालिसिस में निकाला था फॉल्ट करंट कितना आता है तो आपको पता है यानी कि एल जी फॉल्ट का कितना करंट है एल एल का कितना है और डबल एल जी का कितना है इसीलिए प्रोटेक्शन से पहले क्या चाहिए होता है फॉल्ट एनालिसिस ठीक है चलो ओ सी बी क्या है भाई ओ सी है ओ सी लिखा है सी लिखा है सर्किट ब्रेकर ओसी भी माने ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई रिले और सर्किट ब्रेकर कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं यार चलो अब देखो यार मैंने यहां पे ये चीज लिखी है कि जब करंट हाई होता है जब करंट हाई होता है तो ये नीचे आ जाता है आपका प्लंजर प्लंजर अगर नीचे आ जाता है ये चीज जो अभी मैंने समझाई है तो यहां पे ना आपका करंट फ्लो करने लगता है आई जिससे कि प्लेट्स हो जाती हैं सेपरेट यही चीज अभी मैंने समझाया है ठीक है अब देखो यार करंट ट्रांसफॉर्मर जो है करंट ट्रांसफॉर्मर जो है उसका काम क्या है दे बिफोर पासिंग इट टू दी रिले ऑपरेटिंग कॉइल लेकिन करंट ट्रांसफॉर्मर ना यार दो जगह पढ़े जाते हैं पावर सिस्टम में भी और मेजरमेंट के अंदर भी पावर सिस्टम में भी और मेजरमेंट के अंदर भी बेटा पावर सिस्टम में इनका काम आता है प्रोटेक्शन में जैसा कि अभी आपने देखा आप समझ गए करेंट ट्रांसफॉर्मर कहां लगता है इट इज कनेक्टेड बिटवीन द फॉल्टी पार्ट एंड द रिले डायरेक्टली फॉल्टी पार्ट बेटा कभी भी रिले से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि फॉल्ट करेंट किलो एम्पियर में और ये बेचारा एम्पियर ही झेल सकता है किलो एम्पियर में तो ये डैमेज हो जाएगा इसीलिए बीच में क्या लगाओगे स्टेप डाउन करेंट ट्रांसफॉर्मर और मेजरमेंट में ट्रांसफॉर्मर क्यों लगते हैं इस साल में आपको मेजरमेंट भी पढ़ाऊंगा तो वहां हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ा सकें समझ रहे हो इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ा सके मेजरमेंट में काम नहीं आ रहा वो इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है ये मेजरमेंट में बात करूंगा लेकिन यार अब आप ये सोचो अगर आप दस एम्पियर का एम लाए हो तो ऑब्वियसली आप उससे बीस एम्पियर तो मेजर नहीं करोगे सही कह रहा हूं ना दस एम्पियर का अगर मीटर है तो उससे बीस एम्पियर क्यों मेजर करोगे मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता ना वो चीज इसीलिए मेरे बच्चों यहां पे क्या होता है कि मेजरमेंट वाले करंट ट्रांसफॉर्मर में कभी भी करंट उसकी फुल वैल्यू से ज्यादा हो जहां पे उसे बोलते हैं फुल स्केल वैल्यू जैसे पावर सिस्टम में फुल लोड होता है वहां फुल स्केल होता है तो उसकी फुल या रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो बहुत कम चांस है लेकिन यार पावर सिस्टम में फॉल्ट आने पे आप ये तो भली भांति जानते हो कि रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो करता है यानी प्रोटेक्शन वाले करंट ट्रांसफार्मर में करंट हाई होता है और मेजरमेंट वाले करंट ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई हाई करंट जैसी चीज नहीं होती है चमका यहां तक चमका क्योंकि भाई मेजरमेंट लेते हुए हाई करेंट क्यों आएगा लेकिन फॉल्ट में तो करेंट हाई आएगा ही आएगा तो ये दो तरह के सीटी होते हैं अब लेकिन जब आप बात करते हो ना मेजरमेंट वाले करंट ट्रांसफॉर्मर की तो उसको ऑपरेट कराते हो नी पॉइंट पे आप कहोगे सर क्यों करा रहे हैं नी पॉइंट पे क्योंकि बेटा ये हम लोग ये चाहते हैं कि अगर B की वैल्यू हाई होती है ध्यान से सुनना अगर B की वैल्यू हाई होती है तो फॉर कांस्टेंट फ्लक्स फॉर कांस्टेंट फ्लक्स एरिया इज लो तो जितना हाई बी ले पाओ उतना हाई लेना चाहिए ताकि एरिया कम रहे लेकिन बेटा आप जब मेजर आप जब प्रोटेक्शन सीटी की बात करते हो तो आप उसको ऑपरेट कराते हो एंकल पॉइंट पे अब आप कहोगे क्यों सर यहाँ पे साइज या एरिया मैटर नहीं करता क्या यहां आपने बी क्यों लो लिया बेटा इसलिए लो लिया कि जब हाई करंट आए तो ये लीनियर रीजन में जाए ये सेचुरेशन में ना चला जाए मैं सैचुरेशन अवॉइड करना चाहता हूं बेटा मेजरमेंट वाला सीटी में कभी हाई करंट नहीं जाएगा तो ये कभी भी सैचुरेट नहीं होगा ये कभी भी सैचुरेट नहीं होगा लेकिन मेरे बच्चों अगर प्रोटेक्शन सीटी की बात करें प्रोटेक्शन सीटी बेटा सैचुरेट कर जाएगा जब कभी फॉल्ट आएगा क्योंकि फॉल्ट के अंदर करंट हाई आएगा इसीलिए इसको कम पे ऑपरेट कराओ ताकि जब करंट बढ़े ये नॉर्मल रीजन हो गया ये नॉर्मली यहां चलता है जब करंट बढ़े तो ये कहीं ना कहीं लीनियर रीजन में पहुंचे चमका के नहीं चमका जल्दी से बताओ मेजरमेंट में कभी भी हाई करंट नहीं आता रेटेड से ज्यादा करंट कोई मेजर नहीं करता लेकिन प्रोटेक्शन में फॉल्ट आने पे हाई करंट आता है जिसके वजह से हमें क्या मिलता है लीनियर रीजन मिलता है इसीलिए हम इसको एंकल पॉइंट पे चलाते हैं और मेजरमेंट वाले को नी पॉइंट पे तो यहां पे बेटा ये मेजर डिफरेंस आ जाता है वेन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट ठीक है अब देखो यार ये चीज मैं आपको बता चुका देखो रीले के अंदर यार दो चीजें होती है रीले के अंदर होता है एक तो ऑपरेटिंग फोर्स थोड़ा सा रीले के बारे में बात करें फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग फोर्स और होता है मेरे भाई री स्ट्रेनिंग फोर्स सर यह क्या चीज है ऑपरेटिंग फोर्स वो जो इस प्लजर को मूव कराने की कोशिश करे तो देखो ऑपरेटिंग फोर्स कौन सा है जो इस प्लंजर को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है यह है ऑपरेटिंग फोर्स और यह स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा दैट इज रीस्ट्रेनिंग फोर्स तो मैं कहता हूं कोई भी रिले बेटा सीटी हमेशा स्टेप अप नहीं होता यह तुमसे किसने कह दिया करेंट ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेप अप अप्रांसफॉर्मर करेंट ट्रांसफॉर्मर दोनों कॉन्फिग्रेशन के होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन डिपेंड करता है सोर्स किस तरफ लगा रहे और लोड किस तरफ अगर सोर्स और लोड एक्सचेंज कर दो स्टेप अप और स्टेप डाउन अपोजिट हो जाएगा लेकिन यहां स्टेप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि जो रिले है वो कम करंट झेल सकता है तो फॉल्ट के करंट को स्टेप डाउन करके रिले में डालोगे अब देखो यार रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है ऑपरेटिंग माइनस री ऑपरेटिंग माइनस री तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ऑपरेटिंग रिस्ट्रेनिंग से ज्यादा है तो रिले काम करेगा और अगर ऑपरेटिंग रीस्ट्रेनिंग से कम है तो रिले काम नहीं करेगा ठीक है यह बात क्लियर हो गई बेटा मैं इससे ज्यादा स्लो जाऊंगा तो तुम कहोगे कि फिर सर आपके लेक्चर की ना स्पीड बढ़ा के देखना पड़ता है तो बेटा दो फोर्सेस हैं ऑपरेटिंग जो कि एक उसे ऑपरेट कराने की कोशिश करता है एक रीस्ट्रेनिंग जो उसे रोकने की कोशिश करता है तो जब कभी ऑपरेटिंग जो ऑपरेट कराने वाला फोर्स है वो ज्यादा हो जाए रोकने वाले फोर्स से देन इट इज कॉल्ड एज द रीले ऑपरेशन री स्ट्रेनिंग बेटा ये हुआ ना स्प्रिंग वाला ये स्प्रिंग वाला फोर्स जब स्प्रिंग नीचे आने पर खिंचेगा तो वह अपोज तो करेगा और ऑपरेटिंग कौन सा हुआ ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉल ठीक है क्लियर हो गया भाई चलो तो अब बेटा यहां पे आपको क्या देखना है कि कब ऑपरेटिंग ज्यादा हो जाएगा रीस्ट्रेनिंग से तब रिले ऑपरेट करता है लेकिन इसके बारे में पता है ज्यादा बातें हम रिले में करेंगे अभी मेरे हिसाब से आपको यह समझ आ गया होगा कि सर्किट ब्रेकर प्लस रिले का सिस्टम साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करता है यह पूरा जो डायग्राम है ये साथ में कैसे चलता है ये समझ आया या नहीं बताओ ये डायग्राम बढ़िया तरीके से समझ आया नहीं गुरजीत बेटा डिजिटल का कोई क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स देख लो मे बी आपके क्वेश्चन बेटर वे में बनने लगे ठीक है जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ पूरा डायग्राम इसकी वर्किंग समझ आ गई ना कैसे रिले और सर्किट ब्रेकर साथ में ऑपरेट करते हैं ये लीनियर वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया राकेश देखो अगर बेटा ये रेटेड करेंट है तो फॉल्ट आने पे से ज्यादा होगा तो फॉल्ट करंट यहां कहीं होगा रेटेड से तो ज्यादा होगा ना तो ये कौन से लीनियर में लाई किया लीनियर कौन से रीजन में लाई किया लीनियर रीजन में अगर मेरे बच्चे आपका रेटेड करंट यहां होता तो जैसे ही फॉल्ट आता आप सेचुरेशन में घुस जाते ये क्लियर हुआ आप चल अब आते हैं यार आर्क फिनोमिना पे देखो यहां पे आपको आर्क मैंने बना के दिखाई है आर्क मैंने आपको बना के दिखाई है यार आर्क फिनोमिना आर्क फिनोमिना क्या होता है जब सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट सेपरेट आउट होती हैं ध्यान से समझना मेरी बात को जब सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट सेपरेट आउट होती हैं तो पहले देखो प्लेट्स ऐसे रहती हैं एकदम एकदम ना जुड़ी हुई इसमें से एक प्लेट होती है आपकी फिक्स्ड और एक प्लेट होती है आपकी मूविंग जब बेटा ये प्लेट्स दूर होना शुरू होती है ना तो क्या होता है अब देखो सरफेस स्मूथ तो किसी भी चीज का नहीं होता तो यहां पे ना कांटेक्ट एरिया घटना शुरू हो जाता है क्या होने लगता है कांटेक्ट एरिया डिक्रीजेस कांटेक्ट एरिया डिक्रीजेस अब मेरे भाई देखो क्या होता है करंट करंट जो है कभी भी इंस्टेंटली तो नहीं बदल सकता क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर क्या है इंडक्टेंस है तो हम ये मान लेते हैं कि करंट इज आई तो बेटा जैसे ही एरिया घटेगा जे विच इज इक्वल टू आई A विल इंक्रीज और जे होता है सिग्मा ई e, तो ई विल इंक्रीज तो बेटा इस कारण से क्या होता है ना दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है हाँ बेटा इसमें कंप्लीट करेंगे मैंने 2021 वाले बच्चों के लिए बोला था स्पेशल से देख लेना क्योंकि मैं 2022 के लिए कवर करूंगा ठीक है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ जाती है और ये जैसे ही डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है जैसे ही ये डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है तो बीच का मीडियम आयनाइज हो जाता है तो देखो यहां पे ये जो है ना ये आयोनाइज मीडियम है यार दिस इज योर आयोनाइज मीडियम और इसके थ्रू ना आपका करेंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है ठीक है करंट फ्लो करना मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है थ्रू द आयनाइज मीडियम और इसी को हम कहते हैं आर्क इसी को हम कहते हैं आर्क ये बात क्लियर हुई आयनाइज मीडियम से कैसे आर्क फॉर्म होती है आपकी ये बात समझ में आई ना भाई बढ़िया तरीके से कि जब दो कॉन्टेक्ट आप सेपरेट करते हो तो बीच का मीडियम आयनाइज होने के कारण उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द आर्क ये देखो अभी को फिर वही शेड्यूल चाहिए भाई अभी एक बेटा तुम कभी शेड्यूल के आगे पीछे कभी कोई सवाल क्यों नहीं पूछते बताओ मैं सच में परेशान हूं हैरान हूं इस बात से अब देखो क्या होता है ना जो आर्क होती है बेटा इस आर्क का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है क्यों रेजिस्टेंस होता है कोरोना बेटा मैं पढ़ा चुका सुमित मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोरोना पढ़ा चुका अब देखो आर्क क्या होती है अरे कोरोना और आर्क सेम फिनोमिना पे बेस्ड है भाई

और जब कंडक्टर के अराउंड का मीडियम आयनाइज होगा दैट विल बी कॉल्ड अब देखो यार क्या है ये जो आर्क है ये है तो कंडक्टिंग मीडियम ही ना यार ये कंडक्टिंग मीडियम है भाई अगर ये एक कंडक्टिंग मीडियम है आपका तो इसका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए ये देखो ये एल हो गया और रो एल बाय ए के अनुसार इसका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ आर्क क्या होता समझा है बेटा नहीं समझ आया लेक्चर पीछे करके देखो आपको यह दिखेगा कि मैं पीछे चला गया और मैंने पूरा वापस से रिपीट कर दिया तो एल बाय सिग्मा आर्क इन एरिया तो यह होता है रेजिस्टेंस ऑफ आर्क समझ रहे हो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क क्या होता है एल बाय सिगमा ए सिग्मा क्या है बेटा कंडक्टिविटी है आर्क की ठीक है कंडक्टिविटी है आर्क की एल क्या है लेंथ है आर्क की ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसी हिसाब से बनता है आर्क का रेजिस्टेंस आप ऐसा समझो जब भी कोई मीडियम या कोई एलिमेंट कंडक्टिंग होता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस डिफाइन हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज द आर्क रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज द आर्क रेजिस्टेंस अब देखो क्या बोला है पहला पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्क इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऐसा क्यों यार एन इज योर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन एंड सिग्मा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन आर्क रेजिस्टेंस इज प्रपोर्शनल टू लेंथ ये तो बात सही है आर्क रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ये भी बात सही है समझ रहे हो ना कंडक्टेंस क्या होती है यार कंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा ना एन ई म्यू होती है एडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं एन क्या होता है यहाँ पे चार्ज कंसेंट्रेशन यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम या कितने होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज चार्ज कॉन्सेंट्रेशन तो जितने ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस उतना कम रेजिस्टेंस तो इसीलिए मैंने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज देशन अब देखो आर्क फिन क्या हुआ हमने अभी बताया कि जब दो प्लेट बेटा सेपरेट होती हैं तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है अब यहां पे जब आपका देखो ना ये बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो गया डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से तो आपका मीडियम आयोनाइज हो जाएगा ठीक है मीडियम आयोनाइज हो गया तो करंट फ्लो करने स्टार्ट कर देगा भाई उसे फ्री चार्जेस मिल गए और इसी को हम कहते हैं आर्क इसी को हम क्या कहते हैं आर्क चलती हुई दिख रही है ना आर्क चलती हुई दिख रही है भाई आर्क ठीक है चल तो बेटा यहां पे आर्क में जो बीच का आयनाइज मीडियम होता है ना इसको हम और किस नाम से जानते हैं इसको हम कहते हैं प्लाज्मा हम कहते हैं मैटर की चार स्टेट होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा गैस और प्लाज्मा तो प्लाज्मा बीच का क्या है यार आयोनाइज मीडियम है बीच का आयोनाइज मीडियम है आपका प्लाज्मा ठीक है इसका ना टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है अब हम क्या कहते हैं ना यार आर्क इज सेल्फ सस्टेनिंग इन नेचर आर्क इज सेल्फ सस्टेनिंग आप कहोगे सर ऐसा कैसे और ये सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है इसका मतलब बेटा ये होता है कि आर्क ना कभी खुद पे खुद खत्म नहीं होगी आर्क कभी खुद पे खुद खत्म नहीं होगी इसे खत्म करना पड़ेगा अगर आप इसको अकेले में एकांत में छोड़ दो ना तो ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो आर्क बनने से टेम्परेचर बढ़ता है भाई टेम्परेचर बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ता है यार आयोनाइजेशन बढ़ने से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ आर्क घटता है कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा ना रेजिस्टेंस घटने से करंट बढ़ता है और करंट बढ़ने से फिर टेम्परेचर बढ़ता है समझ आया ये एक लूप के अंदर घूमता रहेगा ये एक लूप के अंदर घूमता रहेगा बॉब यार अगर आपने वोल्टेज जीरो कर दिया माने शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने शॉर्ट सर्किट को हटाने के लिए ही तो सर्किट ब्रेकर लगाया था फिर आपने वापस से शॉर्ट सर्किट ही कर दिया तो फिर बेटा फायदा क्या हुआ सर्किट ब्रेकर का समझ आया तो इसी वजह से आर्क को कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग यानी अगर आर्क को आपने छोड़ दिया तो आर्क विल कीप ऑन रिपीटिंग आर्क विल नेवर एवर गो अवे ठीक है तो अब यहां पे देखो यार फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में क्या होता है सबसे पहले बेटा जब फॉल्ट आता है तो सबसे पहला काम आ रहे हैं भाई थोड़ा सबर करोगे देखो अगली स्लाइड यह है ना फॉल्ट क्लियरिंग टाइम थोड़ा तो सबर किया करो सबसे पहले देखो क्या होता है जब फॉल्ट आता है तो रिले ये रिकॉग्नाइज करता है अच्छा भाई फॉल्ट आ गया सिस्टम में तो अब रिले जो है सर्किट ब्रेकर के लिए वो प्लंजर को नीचे लाता है प्लंजर को नीचे लाता है भाई अब अगर सर्किट ब्रेकर सॉरी रिले प्लंजर को नीचे लाता है इस पूरे काम में कुछ टाइम लगेगा उसे हमने बोला रिले ऑपरेटिंग टाइम यानी इतनी देर में प्लंजर नीचे आया प्लंजर नीचे आने से सर्किट ब्रेकर में करंट फ्लो हुआ सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट हुई तो रिले के कॉन्टेक्ट होने के बाद सर्किट सर्किट ब्रेकर ब्रेकर की ऑपरेट हुई इसे हमने बोला ऑपरेटिंग टाइम अब प्लेट ओपन होते ही क्या बन गई आर्क प्लेट ओपन होते ही क्या बन गई आर्क आर्क को खत्म करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एज आर्किंग तीन टाइम हुए देखो फॉल्ट आने से सर्किट ब्रेकर में करंट जाने तक फॉल्ट आने से सर्किट ब्रेकर में करंट जाने तक हुआ रिले ऑपरेटिंग टाइम सर्किट ब्रेकर में करंट आने से प्लेट सेपरेट होने तक सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लेट सेपरेट होने पे जो आर्क बनी है उस आर्क के खत्म होने तक आर्किंग टाइम आर्किंग टाइम बिल्कुल आर्क का नेगेटिव टेम्परेचर है एकदम सही बोला तो ये तीन टाइम मिलके बनाते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम और इसके अंदर आप चाहो तो अपनी मर्जी से डीले दे सकते हो दैट इज इंटेंशनल टाइम डीले आप बोलोगे सर टाइम क्यों देंगे मैंने आपको फॉल्ट के अंदर एक चीज बताई थी सर्किट ब्रेकर ऑलवेज ऑपरेट्स इन ट्रांजियंट रीजन एंड नॉट इन द सब ट्रांजियंट रीजन तो आप चाहते हो सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन आए ना जो ये आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट खुले हैं ये कहाँ पे खुलने चाहिए ट्रांजिएंट रीजन में ये कहाँ पे खुलने चाहिए ट्रांजिएंट रीजन में अगर ये जल्दी खुलने वाले हुए तो आप इसके अंदर ना एक डिले इंसर्ट कर देते हो दैट इज कॉल्ड एज इंटेंशनल टाइम डिले और ये डिले कहाँ डाला जाता है रिले के अंदर रिले के अंदर ये डिले इंसर्ट किया जाता है ताकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे ठीक है अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क ये तो मैं आपको बता चुका कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट विल हैव अ नेगेटिव कोएफिशिएंट ये भी मैं आपको बता चुका यार ठीक है अब बात है आर्क इंटरप्शन मेथड अब ये सर इंटरप्शन क्या चीज है देखो यार दो चीजें होती हैं जब आर्क की बात करते हैं एक इंटरप्शन और एक एक्सटेंक्शन अब इसको ना एक सुपर एग्जांपल से समझते हैं चलो एक दो बढ़िया एग्जांपल देखते हैं ट्रांजिएंट रिलीजन क्या रिलीजन तो नहीं बेटा रीजन है देखो एक दो बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं मान लो मान लो जैसे पहले साधु महात्मा होते थे ना जैसे पहले साधु महात्मा होते थे अब मान लो यार वो लोग पूजा पाठ पे बैठ गए वो लोग पूजा पाठ पे बैठ गए यार अब वहाँ आपने सुना होगा ना पहले जो माइथोलॉजिकल कहानियाँ होती थी कि कोई अफसरा आई अफसरा ने डांस करना शुरू किया अब भाई आजकल तो ऐसा होता नहीं तो बेटा उसने डांस करना स्टार्ट किया अब जब उसने डांस करना स्टार्ट किया तो वो जो आपका तपस्वी था जो साधु था उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही है उसकी तपस्या को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है अब इसे कहेंगे इंटरप्शन अगर तपस्या भंग हो गई तो दैट इज एक्सटेंशन समझ रहे हो जैसे ऐसा सोचो मान लो मैच हो रहा है क्रिकेट मैच चल रहा है बरसात आई तो दैट इज इंटरप्शन बरसात आने से मैच बंद हो गया दैट इज एक्सटेंक्शन समझ रहे हो दोनों में क्या फर्क है आर को आप भगाने की कोशिश करो दैट इज इंटरप्शन आर्क भाग गई दैट इज एक्सटेंशन तो दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली द एफर्ट एफर्ट या कोशिश और दिस इज सक्सेस अब यार देखो सक्सेस फेलियर तो अपने हाथ में है नहीं सक्सेस फेलियर तो अपने हाथ में है नहीं हमारे हाथ में सिर्फ क्या है एफर्ट है अब बेटा हम एफर्ट करेंगे यानी हम आर्क को इंटरप्ट करेंगे अगर बेटा चली गई अगर चली गई तो बहुत ही बढ़िया और नहीं गई फिर दोबारा कोशिश करेंगे अब देखो गेट के लिए आप जो एफर्ट डाल तो दैट इज इंटरप्शन और गेट निकल गया दैट इज एक्सटेंशन तो आप इंटरप्शन कर सकते हो एक्सटेंशन आपके हाथ में नहीं है अब इंटरप्शन के क्या क्या तरीके हैं आर्क लेंथनिंग रिड्यूसिंग और कूलिंग द एरिया सॉरी कूलिंग द आर्क ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड हाई रेजिस्टेंस मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है यार हमारा कहना यह है भाई कि अगर R का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो R का करंट है ना वो कम हो जाएगा तो यही तो हम करना चाहते हैं आर्क में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम खत्म करना चाहते हैं उसे हम खत्म करना चाहते हैं तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द हाई रेजिस्टेंस मेथड हाई रेजिस्टेंस मेथड अब पहला है आर्क लेंथनिंग प्रोसेस आर्क लेंथनिंग प्रोसेस में क्या होता है हम लोग जेग्जैक कॉन्टेक्ट यूज करते हैं जेग्जैक कॉन्टेक्ट अब मेरे भाई देखो यहां पे क्या होता कायदे से आर्क की लेंथ ना पुरानी वाली ये होती ओल्ड लेंथ लेकिन जेगजैक कॉन्टेक्ट यूज करने से न्यू लेंथ ज्यादा आई अब मेरे भाई आप क्या जानते हो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क इज एल आर्क बाय सिग्मा आर्क बाय एरिया ऑफ आर्क तो एल न्यू इज ग्रेटर देन एल ओल्ड इसीलिए आर न्यू इज ग्रेटर देन आर ओल्ड तो बेटा रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट रिड्यूस होना ही होना है ठीक है करंट रिड्यूस होना ही होना है लेंथ बढ़ने से करंट घटता है लेकिन अब बच्चों देखो इस तरह के कांटेक्ट बनाने में इस तरह के कांटेक्ट बनाने में खर्चा भी ज्यादा आएगा तो यहां पे बेटा कॉस्ट बढ़ जाती है अगर कॉस्ट बढ़ गई तो दिस मेथड इज अन अब आप में से अगर कुछ लोग इस तरह के कॉन्टेक्ट बनाने जाओगे ना तो मेजॉरिटी चांस है या आपस में फिट ही नहीं होंगे मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पर अगर आपने ये बनाया हुआ ना तो ये खुल तो जाएगा वापस बंद नहीं हो पाएगा इसीलिए ऐसा रिस्क हम लेते ही नहीं क्योंकि इंजीनियर तो हमारे ही हैं हमारे ही स्टूडेंट्स कल को जाके बना रहे हैं ठीक है थिके? अब अगला आता है रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन अब देखो जब हम यहां पे फोर्स डेयर डालते हैं तो ये आर्क ना ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है आप कहोगे सर ये ऊपर को क्यों मुड़ गई यार आर्क में क्या है आर्क के अंदर है आयोनाइज पार्टिकल आर्क इज नथिंग बट आयोनाइज मीडियम ठीक है या फिर आयोनाइज पार्टिकल्स अगर आर्क के अंदर आयोनाइज पार्टिकल्स हैं आपके तो भाई जब तुम नीचे से हवा भेजोगे नीचे से एयर भेजोगे तब होगा क्या तब होगा क्या ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेंगे वेन एयर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल पार्टिकल्स मूव अवे अब बेटा इसकी वजह से आर्क पूरी की पूरी मूव कर गई आर्क पूरी की पूरी मूव कर गई यार इसी वजह से यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा देखो पहले ना ये पूरा एरिया होगा ध्यान से देखना पहले ये वाला पूरा एरिया था इस टाइप से दिख रहा है समझ आ रहा है ये पूरा एरिया था आर्क का अब बेटा ये एरिया छोटा रह गया तो अगर एरिया ऑफ आर्क कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क बढ़ेगा यही तो हमने बोला हाई रेजिस्टेंस मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड, ये एमसी का यहां पे मतलब वो नहीं है जो आप में से मैक्सिमम बच्चे समझ रहे हैं ये है मूविंग कॉन्टेक्ट और ये है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट ठीक है भाई अब देखो यार अब अगर हम इसके अंदर सारे मेथड एक साथ करना चाहते हैं अगर हम यहां पे सारे मेथड एक साथ करना चाहते हैं तो देखो हम ऊपर क्या लगाते हैं ना आर्क स्प्लिटर। आर्क स्प्लिटर का मतलब क्या होता है इट स्प्लेट्स इट्स वन आर्क एन टू मल्टीपल स्मॉलर आर्क मल्टीपल स्मॉलर आर्क ठीक है और ये बना होता है यार मेटल से ये बना होता है मेटल से अब देखो यार जब नीचे से आप एयर डाल रहे हो ना तो आप कूल एयर डालो अब सर ये ठंडी हवा क्यों ऐसा क्या नीचे क्या कूलर लगा दिया क्या गर्मी लग रही है क्या सर्किट ब्रेकर को भाई इतना तुम काहे के लिए सोचोगे कूल एयर से क्या होगा कूल एयर से टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होने से क्या होगा आयोनाइजेशन कम होगी आयोनाइजेशन कम होने से क्या होगा आयोनाइजेशन कम होने से बेटा चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कम होगा चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कम होने से क्या होगा सर कंडक्टिविटी कम होगी कंडक्टिविटी कम होने से क्या होगा सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ठीक है तो बेटा टेम्परेचर कम भी कर रहे हैं साथ साथ क्योंकि टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक है नहीं बेटा गुरजीत खा के फूक मारनी है यहां पे समझ रहे हो अब देखो ये आर्क जो है ना ये स्मॉलर आर्क्स में डिवाइड हो जाती है स्प्लिटर की वजह से ये स्मॉलर आर्क में डिवाइड हो गई अब आप ये देखो इसका ना क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया ये भी काम यहां पे हो गया और बेटा इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है इसकी लेंथ भी आपकी देखो बढ़ गई समझ रहे हो ये लेंथ बढ़ गई ना क्लियर हो गया क्लियर हो गया यहां पे क्या हो रहा है लेंथ भी बढ़ रही है एरिया भी घट रहा है टेम्परेचर भी घट रहा है तो ये मेथड प्रैक्टिकली यूज किया जाता है जिसमें हम सारे इफेक्ट एक साथ पैदा कर देते हैं इंटरप्शन का मतलब समझे आर्क को भगाने की कोशिश दैट इज इंटरप्शन अब आता है यार करेंट जीरो आर्क इंटरप्शन करेंट जीरो आर्क इंटरप्शन एक काम करेंगे इसको कल हम लोग कवर करेंगे आज जाने देते हैं ठीक है इसको कल कवर करेंगे करंट जीरो का मैं आपको रीजन समझाऊंगा तो इसको जाने दो अब बच्चों देखो जैसा मैंने आपको बताया था आज ही से नया बैच स्टार्ट हुआ है हूएवर वाज आस्किंग वी हैव स्टार्टेड दिस बैच ऑन प्लस इंग्लिश बैचेस एंड यू कैन यूज द कोड अंकित एसी टू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट ठीक है अगेन वी हैव स्टार्टेड अ सिमिलर बैच फॉर इलेक्ट्रिकल अब अंकित एसी कोड से बेटा आपका 1 ईयर का फीस होगा 27225 18 मंथ 34650 टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड मैं रिकमेंड करूंगा बेटा टू ईयर के ले जाइए ताकि आप बिना किसी इंटरेस्ट के ईएमआई पे ले पाएँ और आप इसके अंदर आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाएँ और इसके अलावा ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द फाइव परसेंट होने वाला है तो उससे पहले ज्वाइन कर लेंगे अभी ग्यारह बजे से विशाल सर की मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर जाना ग्यारह बजे से और अंकित ई से आइकॉनिक वन ईयर होगा फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव और आइकॉनिक टू ईयर है सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन टू ईयर के लिए जाना यार मैक्सिमम एग्जाम क्रैक करो और आप ई पे भी दे सकते हो अरे भाई अगर आप लोहे के बीच में ऐसे स्प्लिटर लगा दोगे तो आपको नहीं लगता आर्क मल्टीपल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी बताओ सिंपल बताओ अब देखो यार ये मेरी अन प्रोफाइल है आप मुझे फॉलो करो यहां पे आप मुझसे चैट भी कर सकते हो यू कैन ऑलवेज सेंड मी आ मैसेज और बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरे पी डी एफ्स मिल जाएंगे नोट्स मिल जाएंगे आज मैंने आपके तेजस बैच के सारे फिजिक्स के नोट्स भी डाल दिए थे यार सो थैंक यू एवरीबडी इट वॉज नाइस बिगनिंग बिगनिंग दिस पावर सिस्टम बैक है ना दोबारे से स्टार्ट करने में मज़ा आ गया यार और इसी तरह का माहौल बना के रखना इसी तरह का पॉजिटिव माहौल बना के रखना मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा आप भी मोटिवेटेड रहेंगे और मिलके मचाएंगे ठीक है तो बेटा लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना और बेल आइकन दबा देना बेल आइकन दबा देना ठीक है थैंक यू एवरीबडी